आज 16 दिसंबर विजय दिवस है, वो दिन जब भारत की जांबाज सेना ने पाकिस्तान को एक तरफा और बिना शर्त हथियार डालकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ 13 दिन चले युद्ध ने राजनीतिक नेतृत्व और सेना के युद्ध कौशल के जबरदस्त तालमेल से दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया था। 1971 में जब पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचारों की इंतहा करते हुए वहाँ बसे हिंदू अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाना शुरू किया और मुक्ति वाहिनी के शेख मुजीबुर रहमान ने भारत से मदद का आग्रह किया, तो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेना को तैयार करने के आदेश दे दिए। 3 दिसंबर को गीदड़ भभकी देते हुए पाकिस्तान ने भारत में 11 स्थानों पर हवाई हमले कर दिए। इसके जवाब में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख जनरल मानिक शॉ को पाकिस्तान को सबक सिखाने का आदेश दे दिया। श्रीमती गांधी के निर्देश स्पष्ट थे, युद्ध सीमित समय और सीमित क्षेत्र में हो और नतीजा पूर्वी पाकिस्तान नाम का खात्मा हो। इधर भारतीय सेना ने अपना रण कौशल दिखाना शुरू किया, उधर श्रीमती गांधी ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान के दोगले व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करना शुरू किया। The situation is a grave one and all along the borders troops have been brought closer to the border on the other side, with the result that naturally in the interest of our own defense we had to also look to our interest. इसके लिए सेना को कार्यवाही की खुली छूट देकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और अमेरिका की यात्रा कर इस युद्ध में भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए पाकिस्तानी शासक जनरल टिक्का खान द्वारा करवाए गए नरसंहारों को दुनिया के सामने उजागर किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना की कमान संभाल रहे जनरल ए खान नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया। जनरल नियाजी ने इसी दिन पाकिस्तान का लगभग आधे क्षेत्रफल पर अपना अधिकार त्यागते हुए बांग्लादेश की उदय के कागज पर भी दस्तखत किए। युद्ध शुरू होने से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने जहां एक ओर राज्यसभा में कहा कि ऐसे मौके पर सरकार जितना कम बोले उतना उचित रहेगा, और युद्ध में जीत के बाद श्रीमती गांधी ने तुरंत युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही भारत की नीति और नियत स्पष्ट करने में देर नहीं लगाई। The road ahead is still long and very steep, and we have many peaks to scale. Let us hope that we can do this with the same spirit in which we have faced this challenge, and that we will go ahead from peak to peak, raising our nation to new heights of quality. देश में कुशल राजनीतिक नेतृत्व, सेना के अदम्य साहस और संपूर्ण राष्ट्र की एकता की याद दिलाते विजय दिवस की सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं।